आज की ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं MI TV के बारे में। स्पेशली उन लोगों के लिए खास होने वाली है जो MI TV खरीदने का सोच रहे हैं या प्लान कर रहे हैं, लेकिन उनके दिमाग में अभी भी बहुत सारे डाउट हैं, क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू MI TV कि उनको ये TV खरीदना चाहिए, रिलेटेड टू सर्विस वगैरह जो जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब का जवाब मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। क्योंकि मैं इस TV को यूज़ करते करते अराउंड 1.5 साल से भी ज़्यादा हो गया इस TV को मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे सब कुछ पता पड़ चुका है इस TV के बारे में कि कैसी क्या स्पेसिफिकेशन है इसकी रियल टाइम में या फिर इसकी सर्विस वगैरह जो भी है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो ये वीडियो जो है बहुत खास होने वाली है, तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखते रहिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी वीडियोज जो है वो मैं आप तक लेकर आता रहूँ। तो गाइस, मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं tech+gadgets.com। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब अगर मैं बात कर लूँ MI TV के मेन फीचर के बारे में, चाहे वो कोई भी TV हो, MI TV 4, 4C, 4A, 4X Pro, कोई भी TV हो, उनका जो मेन फीचर होता है वो होता है उसका प्राइस। आपको बिल्कुल बजट प्राइस के अंदर Xiaomi बहुत बढ़िया सी प्रीमियम लुकिंग TV देता है। तो भाई प्राइस जो होते हैं काफ़ी ज़्यादा बजट होते हैं एज़ कम्पेयर टू हाई प्रीमियम जो TVs होती हैं उनके कंपैरिजन में। अब अगर मैं इस TV की बात करूँ जो मेरे पास है, वो 55 इंच है, MI TV 4 करके जो आया था, सबसे पहला TV था जो Xiaomi ने इंडिया के अंदर रिलीज़ किया था। इस TV को लेने में मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी थी, 2 महीने से ज़्यादा हो चुके थे, मैंने लाइक 2 महीने से ज़्यादा तक कोशिश करी थी इस TV को ग्रैब करने की, क्योंकि उस टाइम सेल जो चल रही थी TV की, MI TV की, बहुत ज़्यादा पैक्ड चल रही थी, जिसके कारण मैं TV खरीदने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई थी। और MI ने इसका जो प्राइस है वो 5,000 रुपीज़ ज़्यादा बढ़ा दिया था, उसके बाद मुझे ये TV मिली थी 45,000 की। वैसे इसका रियल प्राइस 40,000 था, लेकिन हाइक होने के बाद 45,000 की जो ये TV हो चुकी थी, उसके बाद भी ये TV जो है बहुत बजट में मुझे मिल चुकी थी। अब मैं आप लोगों से डायरेक्टली कुछ बातें कहने वाला हूँ। अगर आप लोग बहुत बढ़िया सा पैनल चाहते हैं या TV का जो स्क्रीन है, इसका जो रेजोल्यूशन है वो चाहते हैं, वो भी कम प्राइस के अंदर, तो इस TV को आप खरीद सकते हैं। भाई 2.5 से 3 लाख रुपये तक की मैंने TV देखी है, चाहे वो LG हो, सोनी हो, सैमसंग हो, सेम इसी तरीके का पैनल होता है, रेजोल्यूशन जो होता है उनका थोड़ा अच्छा होता है एज़ कम्पेयर टू दिस, लेकिन उतना भी बुरा इनका नहीं होता है। लाइक उनका 100% है तो इसका 80% तो होगा ही होगा, 80% से ज़्यादा ही होगा, लेकिन उससे उसके आधे प्राइस से भी ज़्यादा। लाइक इस तरीके का जो पैनल है, इतना थिन पैनल, अगर मैं बाकी TV से कंपेयर करता हूँ, LG की TV से कंपेयर करता हूँ, तो उसका जो प्राइस है वो 2.5 से 3 लाख रुपये जाता है, और इस TV का प्राइस जो है 45,000 है। अभी जो MI की एक लेटेस्ट TV चल रही है, MI TV 4X Pro 55 इंच, वो जो है वो TV को आप खरीद सकते हैं, क्योंकि उतने ही प्राइस में, उससे भी कम प्राइस में आपको 4K HDR का जो है रेजोल्यूशन मिलता है, वो भी 55 इंच के साथ। तो भाई रेजोल्यूशन के मामले में भी आप टेंशन ना ले, बहुत बढ़िया रेजोल्यूशन मिल जाता है आपको। 4K देखना हो कोई भी मूवी 1080p में भी आपको जो है क्रिस्टल क्लियर जो है रेजोल्यूशन आपको देखने को मिल जाता है। अब अगर मैं बात करूँ इसके सर्विस वगैरह के बारे में कि भाई इसकी सर्विस वगैरह किस तरीके की है, तो भाई नॉर्मली जैसे बाकी कंपनी लाइक LG, सैमसंग, सोनी, जिस तरीके की ये बड़ी बड़ी ब्रांड की कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, सेम उसी तरीके से भाई जो है आपको Xiaomi की सर्विस मिलेगी। जब आपकी ये TV जब आप ऑनलाइन मंगाएंगे या फिर ऑफलाइन आप या MI होम या फिर कहीं से खरीदेंगे, तो ये TV के इंस्टॉलेशन के लिए एक बंदा आपके घर पे आएगा और वो इंस्टॉल करके देगा। उसी की तरह अगर आपकी TV को बाय चांस बोल रहा हूँ, कुछ हो जाता है, तो आपकी TV जो है 1 साल की वारंटी के साथ आता है, उसको आप एक्सटेंड भी कर सकते हो कुछ उनकी MI की कुछ पॉलिसीज़ वगैरह खरीद के। तो इसको एक्सटेंड करने के बाद आपकी TV जो है बिल्कुल, या तो बिल्कुल आपकी TV वो सुधार के घर में ही आके सुधार के जाएंगे, या फिर उनको आप MI के जो भी सर्विस सेंटर अवेलेबल है आप वहाँ जाके इसको दिखा सकते हैं। बात करूँ MI TV के अदर स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो आपको एक रिमोट साथ में मिल जाएगा। ये रिमोट जो है काफ़ी खास रिमोट है, क्योंकि इसमें आपको जो बटन्स दिख रहे हैं वो बहुत कम बटन दिख रहे हैं, और इन सारे बटन्स के थ्रू ही आप अपने पूरे TV को कंट्रोल कर सकते हैं। इस रिमोट की खासियत ये भी है कि इसमें आपको ब्लूटूथ कनेक्टिविटी मिल जाती है, तो भाई ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के कारण जो है आपको सामने रख के जो है रिमोट चलाना नहीं पड़ता है, आप इधर उधर करके भी जो है अपने रिमोट को एक्सेस करके कंट्रोल कर सकते हैं। तो अगर जो अभी इस जनरेशन की जो TV आ रही है, लाइक MI TV 4X Pro या फिर जो भी अभी TV आ रही है, उसमें आपको एंड्रॉयड गूगल असिस्टेंट का, वॉइस असिस्टेंट का एक अलग से बटन मिल जाएगा, जो इस TV में नहीं है, क्योंकि इसमें जो है गूगल असिस्टेंट नहीं है।
इस टीवी की मुझे सबसे जो खास बात लगी है वो लगी है इसका यूआई। तो इसका जो यूआई है वो बहुत खास है, एंड्रॉयड के साथ तो आता ही है, लेकिन जो शाओमी है इसके ऊपर स्पेशली इंडिया के लिए जो इन्होंने एक इसका जो यूज़र इंटरफेस है वो बनाया है, उस यूज़र इंटरफेस का नाम पैचवॉल करके है। तो उसके ऊपर जो है ये चढ़ा हुआ है, उसके ऊपर लगा हुआ है। इसकी जो खासियत ये है कि आपको इसमें जितने भी चैनल्स हैं या जितने भी वीडियोज़ हैं उसकी सारी की सारी जो है ग्रिड फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा, और ये जो है इनफाइनाइट है, आप इसको जितना भी ज़्यादा स्क्रॉल करेंगे आपको आता ही जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। तो इस तरीके की जो फंक्शनैलिटी है वो काफ़ी अच्छी है, और इसकी खासियत ये भी है कि अगर आप कोई भी चैनल जो है बार बार देखते हैं या किसी सिमिलर टाइप के चैनल देखते हैं तो उसको जो है वो सबसे पहले रिकमेंड करके करेगा ताकि आप उसको डायरेक्टली यहाँ पे देख सकते हैं। और ख़ास बात इसकी ये भी लगी है कि जो ऑन एयर जो है, ऑन एयर इन द सेंस कि जो अभी लाइव चल रहा है उसको भी जो है ये टीवी दिखाता है ताकि इसको आप अच्छे से देख सकें कि आप जो है पता कर सकें। तो इसका जो यूआई है एज़ कम्पेयर टू अदर टीवी, जो बाकी की टीवीज़ होती है चाहे कितनी भी महंगी टीवीज़ हो, ये फंक्शनैलिटी आपको उन टीवीज़ में जो है देखने को नहीं मिलेगी जो इस टीवी एमआई की सारी टीवीज़ में देखने को मिलेगी। तो इसके सॉफ्टवेयर या यूआई की बात करें तो वो काफ़ी अच्छा है कंपेयर टू अदर टीवीज़। सारी टीवीज़ का जो हार्डवेयर है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लाइक इसमें आपको 2 और 3 GB तक की रैम मिल जाएगी, उसके साथ साथ 8 GB तक की इंटरनल स्टोरेज मिल जाएगी, जो एक टीवी के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। चाहे वो टीवी सस्ती वाली टीवी हो, आपकी जो 1399 की जो टीवी आती है उसमें भी आपको सेम स्पेसिफिकेशन मिलेगी, थोड़ा बहुत जो है रैम का ऊपर नीचे कर देंगे लेकिन जो हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन है वो ऑलमोस्ट सेम होती है। अगर मैं इसके पोर्ट्स की बात करूँ तो आपको जो इसमें पोर्ट्स है वो भर भर के मिलेंगे। MI ने कुछ भी जो है, Xiaomi ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। इसमें जो है आपको जो HDMI केबल्स है उसके 3 से 4 पोर्ट मिल जाएंगे, उसके साथ साथ USB मिलेगा, 3.0 USB भी मिलेगा, जिसके कारण आपकी जो USB की स्पीड है वो काफ़ी तेज़ हो जाएगी। इवन Xiaomi ने जो है एंटेना का भी कनेक्शन इस टीवी में देखे रखा है, तो आप इस तरीके से जान सकते हैं कि Xiaomi ने कोई भी पोर्ट को जो है नहीं छोड़ा है। तो अगर आप कोई भी कनेक्टिविटी की बात करते हैं, चाहे वो ऑक्स कनेक्टिविटी हो, चाहे वो HDMI से अपने डिश टेबल या डिश केबल वगैरह की कनेक्टिविटी हो, तो वो आप आराम से जो है इस टीवी में कर सकते हैं। अब अगर मैं अपने पर्सनल व्यू आप लोगों को बताऊं तो भाई मुझे कोई भी दिक्कत जो है अभी तक फेस करने को नहीं मिली है। टीवी सेम उसी तरीके से चल रही है जिस तरीके से नई आई थी, तो कोई भी दिक्कत मुझे अभी तक नहीं लगी है। अगर आप लोग जो है MI टीवी खरीदने का सोच रहे हैं और अगर आप लोगों के मन में डाउट है कि भाई टीवी कैसी होगी, चाइनीज़ टीवी है ऐसा वैसा, तो भाई ऐसा कुछ भी मत सोचो। सेम सर्विस आपको देगी जो बड़ी कंपनी दे रही है, उसके साथ साथ स्पेसिफिकेशन आपको सेम दे रही है एज़ कम्पेयर टू LG वगैरह, लेकिन उससे भी बहुत ज़्यादा लाइक मेरे हिसाब से 1/4 प्राइस में आपको जो ये टीवी देखने को मिल रही है, वो भी इतने थिन बेजल्स के साथ, इतने प्रीमियम लुकिंग डिज़ाइंस के साथ। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मैं आप तक लेकर आता रहूं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।